इस वक्त की ब्रेकिंग आ रही, निर्भया दोषियों को सजा मिलकर रहेगी। निर्भया के दोषियों की क्यूरेट पिटीशन पर सुनवाई पूरी। दोषी विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। निर्भया के दोषियों के क्यूरेट पिटीशन खारिज हो गई है। 22 जनवरी को सभी आरोपियों को फांसी दी जाएगी। 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी। निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो चुका है। निर्भया के दोषियों की क्यूरेट पिटीशन खारिज कर दी गई है। 22 जनवरी को दी जानी है चारों आरोपियों को फांसी की सजा। निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता अब साफ हो चुका है। निर्भया को मिलेगा न्याय। निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज। 22 जनवरी को दी जानी है चारों आरोपियों को फांसी। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराया फैसला, अब चारों आरोपियों को दी जाएगी फांसी। 22 जनवरी को होनी है फांसी। 22 जनवरी को दी जानी है चारों दोषियों को फांसी। निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो चुका है। 7 साल बाद निर्भया को आखिर अब न्याय मिलेगा। 2012 का वो दिन 16 दिसंबर 2012 और उसके बाद अब 2020 में निर्भया को मिलेगा न्याय। निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता साफ हो चुका है।